बूथ चलो अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कुम्हारी पहुंचने पर बूथ प्रभारी एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। महिला कार्यकर्ताओं ने टीएस सिंहदेव की आरती उतार कर उनका स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ये उनका पहला कार्यक्रम रहा, जहां वे सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र के कुम्हारी नगर पालिका में बूथ चलो अभियान कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जीत दिलाने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कार्यक्रम कुम्हारी पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 स्थित प्रेस क्लब के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया था, जिनमें भिलाई जिलाध्यक्ष व चरोदा महापौर निर्मल कोचरे, मुख्यमंत्री ओएसडी मनीष बंछोर, मुख्यमंत्री सुपुत्र चैतन्य बघेल, ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत, पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर व उपाध्यक्ष के रवि कुमार, साथ ही कांग्रेसी पार्षद यहाँ पर बड़ी संख्या में शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आज सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को राज्य व केंद्र में विजयी बनाने का संकल्प लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ को मजबूत करने, जमीन से जुड़कर राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक मतदाता तक पहुँचाकर उन्हें जागरूक करें। उन्होंने भूपेश बघेल को आगामी मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी कार्यकर्ताओं को पिछली जीत के आंकड़े से और अधिक मतों से विजयी बनाने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। वहीं पत्रकारों से चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने बताया कि हम सब मिलकर विधानसभा व लोकसभा में मजबूती के साथ काम करेंगे और एकजुटता से ही बड़ी बहुमत से दोबारा सरकार बनाएंगे। एक हिस्सा है जिसमें संभाग स्तर से विधानसभा स्तर और विधानसभा स्तर से बूथ स्तर लोगों से जाके मिलना, उनसे संपर्क करना, उनके गठन के अस्तित्व की वास्तविकता को देखना, जांचना और ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन होना। ये संभाग स्तर का कार्यक्रम हुआ जिसमें जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हम लोग उपस्थित हुए थे। अगला विधानसभा स्तर में जिसमें सेक्टर और जोन स्तर के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे और ये बुनियादी आखिरी इकाई जो हमारी होती है पोलिंग बूथ, हर मतदान केंद्र में जो पोलिंग बूथ का कमेटी का गठन हुआ है वो विद्यमान है कि नहीं, अस्तित्व में है कि नहीं, वही जानकारी अभी मिल रही थी कि यहाँ के 29 मतदान जो केंद्र जो हैं वो सभी सुसज्जित हैं। सभी में जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उनका मनोनयन हो चुका है और उनके साथ टीम भी मनोनीत है। जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनते, जिस प्रकार से रिंग बन जाते हैं, वो प्रकार से अपन हमारे जो विकास कार्य करें, हमारे सरकार के योजना ला एक एक घर तक पहुँचाए पर बूथ स्तर तक हमारे बूथ ला गठन करे पर अपनी नीचे तरफ अभियान चलाए पर एक एक घर में जो योजना ला जम्मू जन साथी मन ला पहुँचाए पर हमारे यहाँ तो बहुत पहले से पाटन में तैयार रही है मगर पूरे प्रदेश में भी ये लागू कर जाते जो पाटन फैक्टर ला। आज हमारे माननीय मंत्री महोदय जी की आज उप मुख्यमंत्री आए रही सिंह और आए के बाद वो बूथ में कैसे काम करना है, जनता तक जमीन तक कैसे पहुँचना है, फिलहाल मार्गदर्शन दी एक एक जन के बीच जाके जो हमारे सरकार के कार्य हो वो कार्य बताना है। आज आप मन भी देखे हो कि विकास कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आए के बाद चैतन्य भाई के मार्गदर्शन में हमारे जम्मू पार्षद साथी मन के सहयोग से आप मन देखते हो रोड के बारे में खुद हो बोली, पानी के बारे में बोली, चाहे पेंशन के बारे में अनेक कार्य हमारे मुख्यमंत्री के जो हमन ला जाके पब्लिक के बीच बताए की आवश्यकता है और पब्लिक देखा थे। आज देखो बड़े तरिया देखे हो, बड़े तरिया में तो आप मन पैर रखे जगह नहीं है तो ये स्थिति है तो बताए की जरूरत नहीं है। हमन चुनाव की तैयारी कर रहे थे कब चुनाव आवा कि आप मन देखते हो 2008 से हमारे मन के जो कार्यकर्ता मन मेहनत करते और रंग लाद जाते तो ये स्थिति हमारे कुम्हारी की लीड भी बढ़त जाते, पाटन के भी लीड बढ़त जाते तो हमारे पूरा साथी मन आज कुम्हारी के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन, हमारे पार्षद मन, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे महिला कांग्रेस कमेटी और हमारे मुखिया मन पूरा कमर कस डले हैं कि एक एक बूथ में एक एक घर एक एक वार्ड में एक एक जगह जाके पहुँचबो और जनता बताबो कि हमारे मुखिया कैसे काम करे। आप लोग बताइए कि अब हम
विधायक पर वोट नहीं मांगा था, दूसरा बार मुख्यमंत्री बने पर वोट मांगा था। ये सबसे बड़े अमर मन की उपलब्धि है, अमर मन के सम्मान के बाद है कि हमारे लिए कि हमारे विधायक के साथ साथ हमारे डबल मुख्यमंत्री वोट दे के तैयारी है अमर मन के। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पार्षद एवं कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।